बिहार और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी दलों के स्टार प्रचारक तारापुर और कुशवेहर स्थान विधानसभा क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं। इस बार सबकी निगाहें हाल में ही वामपंथी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार पर टिकी है। वहीं तेजस्वी और कन्हैया की चुनावी सभाओं पर भी नजरें हैं। तेजस्वी और कन्हैया कुमार के चुनावी जनसभाओं को लेकर एक दिलचस्प तथ्य सामने आया है। दोनों स्टार प्रचारकों का चुनावी शेड्यूल को देखकर यह पता चलता है कि दोनों नेता शायद ही एक वक्त पर एक ही क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करें। राजनीति जानकार इसे आरजेडी और कांग्रेस की रणनीति का एक हिस्सा बता रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जगहों पर अपनी दर्जनों सभाएं कर चुके हैं। वहीं कन्हैया कुमार ने अब तक एक भी जनसभा नहीं की है। कन्हैया कुमार की जनसभा 23 अक्टूबर से तारापुर से शुरू होने जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार तेजस्वी यादव तारापुर विधानसभा के बाद कुशवेहर स्थान विधानसभा में डेरा डाले हुए हैं। वह रविवार तक वहां चुनाव प्रचार करेंगे। उम्मीदें जताई जा रही हैं कि वह सोमवार से एक बार फिर तारापुर पहुंचेंगे। कन्हैया कुमार तारापुर में 23 से रविवार 24 अक्टूबर तक चुनाव प्रचार पूरा कर चुके होंगे, जब तेजस्वी यादव तारापुर क्षेत्र में दोबारा पहुंचेंगे। तब कन्हैया कुमार 26 और 27 को कुशवेहर स्थान विधानसभा में चुनाव प्रचार कर रहे होंगे। इस तरह दोनों नेता शायद ही किसी विधानसभा क्षेत्र में एक ही दिन प्रचार के लिए मौजूद हों। जानकारी से एक सोची समझी रणनीति मानकर चल रहे हैं। शायद ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता है। अब आगे देखना होगा कि बिहार की राजनीति में क्या नया दिलचस्प नजारा देखने को मिलता है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे एसपीएन 9 न्यूज। और आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।